नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कवि कुलदीप विद्यार्थी कवि चौपाल परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपका इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम देश के उन युवा कलमकारों से आपको रूबरू करवाएंगे जिनकी कविता की खनक पूरे देश में आज गूंज रही है। एक बेहतरीन कवि सम्मेलन हम इस बार आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि कोरोना काल है, पूरे कोरोना काल में सभी कवि सम्मेलन लगभग बंद हैं, सोशल गैदरिंग बंद हैं, उस समय में इन कवियों को आपके द्वार तक पहुंचाने का काम कवि चौपाल कर रहा है। शमशी मिनाई की ये पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि मैं राम पर लिखूं, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। मैं राम पर लिखूं, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। फिर ऐसा कोई ख़ास कलमवर नहीं हूँ मैं, फिर ऐसा कोई ख़ास कलमवर नहीं हूँ मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूँ मैं। मित्रों, मैं आपको यहाँ पर अब सुनवाना चाहता हूँ देश के युवा कलमकार भाई अनंत आशीष को। अनंत आशीष वाल्मीकि और तुलसी की परंपरा से आते हैं। माँ सीता और राम पर एक बेहतरीन गीत उनका है। आज हम उनसे वही गीत इस कवि चौपाल के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं। एक बेहतरीन कलमकार, एक बेहतरीन फनकार भाई आशीष अनंत को मैं आपके बीच बुलाना चाहता हूं। आप तह दिल से उसका इस्तकबाल करें। मैं भाई आशीष अनंत को यहां पर आप लोगों के बीच आमंत्रित करना चाहता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आशीष भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत आशीष और कवि चौपाल परिवार पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम स्वतंत्रता दिवस का महापर्व मना रहे हैं। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है। कहीं भगत सिंह ने अपनी पगड़ी तो कहीं गांधी ने अपना गमछा गवाया है, तब जाकर कुर्बान किया है, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। दोस्तों, इस आज़ादी पर पूरा देश इस वर्ष राममय होकर राम की ध्वनि से गुंजायमान है, राम के टनकार से गुंजायमान है। मैं उसी विधा पर आपको एक गीत सुनाने की कोशिश करता हूँ कवि चौपाल के मंच से। अधिकतर कवियों ने राधा और कृष्ण के प्रेम पर लिखा है, मैंने राम के प्रेम पर कुछ कहने का प्रयास किया है। गीत निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि मन भी भारी। गीत की उपमा सुनना और गीत सुनना, भारी शब्द मैंने इसमें काम में लिया है। भारी का मतलब होता है रुद्र विलाप। सुनिएगा साहब कि मन भी भारी तन भी भारी है वनवास जारी, मन भी भारी तन भी भारी है वनवास जारी। जैसे राघव से रूठी हो अब के जनक दुलारी, मन भी भारी तन भी भारी। सुनिएगा क्या भारी है कि भारी है आलिंद मिले। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं दोस्तों, तो मेरी गीतों में कहीं ना कहीं आपको विज्ञान की छिटपुट बारीकियां जरूर देखने को मिलेगा। सुनिएगा कि भारी है आलिंद निले सब बंजर सा लगता है। उपमा देखना, भारी है आलिंद निले सब बंजर सा लगता है। जैसे सावन में घा के बिन खंजर सा चुभता है, जैसे सावन में घा के बिन खंजर सा लगता है। भारी है स्वासे नयनों का जल भारी लगता है। और क्या चाहिए, भारी है स्वासे नयनों का जल भारी लगता है। माता का आदेश था आसान ये पल भारी लगता है। भारी है जी भारी, भारी है जी भारी। तेरी एक झलक पाने को, याद कीजिएगा वो वनवास, तेरी एक झलक पाने को तरसे प्रेम पुजारी। जैसे राघव से रूठी हो अब के जनक दुलारी, मन भी भारी। सुनिएगा कि मैं अब इसमें पहला बंद राम को समर्पित था और दूसरा बंद मैं खुद को समर्पित करता हूँ, मेरे प्रेम को समर्पित करता हूँ, तब निवेदन करता हूँ। सुनेगा कि मैं कुमार हूँ ब्रह्मपुरी का तूतन वंग कुमारी, मैं कुमार हूँ ब्रह्मपुरी का तूतन वंग कुमारी। मैंने प्रेम की पूजा खातिर जात पात सब हारी, तू भी भारी मैं भी भारी फिर क्या दुनिया सारी। हमारे कवि रूपेश प्रजापत, उनका एक शेर है
कि जितने प्रश्न समाये दिल में सबके सभी हल होते, जात पात ना होती गर तो कितने प्यार सफल होते, जात पात ना होती गर तो कितने प्यार सफल होते। तब निवेदन करता हूँ, सुनेगा कि मैं कुमार हूँ ब्रह्मपुरी का, तू तन वंग कुमारी, मैंने प्रेम की पूजा खातिर जात पात सब हारी, तू भी भारी मैं भी भारी फिर क्या दुनिया सारी, तू भी भारी और प्रण देखना, तू भी भारी मैं भी भारी फिर क्या दुनिया सारी, जीत लाऊंगा तेरा स्वयंवर है संग्राम जारी, भारी है जी भारी, याद रहेगी प्रेम कहानी, याद रहेगी प्रेम, हर एक श्रोता की अगर प्रेम कहानी हो तब निवेदन करता हूँ, याद रहेगी प्रेम कहानी मेरी और तुम्हारी, जैसे राघव से रूठी हो अब के जनक दुलारी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार मित्रों। स्वतंत्रता दिवस के दिन आप अपने अंदर के वैमनस्य को त्यागिए, अपने अंदर की ईर्ष्या को त्यागिए, हर व्यक्ति से प्यार कीजिए मित्रों। जय हिंद, जय भारत। दोनों तरफ लिखा है भारत, सिक्का वही उछाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। मित्रों, मैं यहां पर अब आपको सुनवाने के लिए आमंत्रित करता हूं देश के वीरस के बड़े कवि, एक ऐसे नाम जिनका डंका पूरे देश में बजता है, जिनकी महाराणा प्रताप कविता YouTube पर काफ़ी वायरल है। मैं आदरणीय अश्विनी त्रिपाठी जी को आप सभी लोगों को सुनवाना चाहता हूँ। अश्विनी त्रिपाठी गज़ल में एक बेहतरीन नाम है, बहुत ही उम्दा कलमकार, एक बहुत ही उम्दा गज़लकार और ओजस्वी वाणी अश्विनी त्रिपाठी जी आज हमारे बीच हैं, जिन्होंने देश के तमाम बड़े कवियों के साथ काव्य पाठ किया है। आज कवि चौपाल पर उनका स्वागत है, आएँ और अपना काव्य पाठ करें। मैं अश्विनी कुमार त्रिपाठी बारा राजस्थान से आप सभी को मेरी और कवि चौपाल चैनल की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लीजिए कुछ पंक्तियां हमारे उन सैनिकों और उन क्रांतिकारियों के लिए रखता हूं। केसरिया रंग बलिदानी का प्रतीक बना, जिसकी मशाल सारे संकटों से तारती, केसरिया रंग बलिदानी का प्रतीक बना, जिसकी मशाल सारे संकटों से तारती, श्वेत रंग में छिपा है शांति का संदेश और राष्ट्र की प्रगति चक्र की गति निहारती, श्वेत रंग में छिपा है शांति का संदेश और राष्ट्र की प्रगति चक्र की गति निहारती, हरा रंग हरियाली उन्नति का है प्रतीक, जिसकी उपज भुखमरी से उबारती, और सारा जग सतरंगी रंगों से रंगा है, किंतु मन में बसे हैं मेरे तीन रंग भारती, मन में बसे हैं मेरे तीन रंग भारती। और वे सैनिक जो हमारे लिए -20 -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे देश की रक्षा हेतु पहरा दे रहे हैं, उनका कद बताना चाहता हूँ, एक छंद निवेदित करता हूँ कि घर बार छोड़कर आसमान ओढ़कर, मातृभूमि रक्षा है तू सीमा पे खड़ा है वो, भूख प्यास भूल कर मौत को कबूल कर, दिन रात देखे बिना शत्रु से लड़ा है वो, तिरंगे का स्वाभिमान माता भारती का मान, बना रहे सदा इस बात पे अड़ा है वो, तिरंगे का स्वाभिमान माता भारती का मान, बना रहे सदा इस बात पे अड़ा है वो, ओ भारती के भाल पे नगीने सा जड़ा है, और देश के महान शासकों से भी बड़ा है वो, देश के महान शासकों से भी बड़ा है वो। और निवेदित करता हूँ कि माता भारती की आन बान स्वाभिमान, और अपने तिरंगे की है शान, वंदे मातरम सभ्यता व संस्कृति का है परिधान, सच्चे हिंदुस्तानी हृदय की जान, वंदे मातरम भिन्नता में एकता की है सुरीली तान, पूरे विश्व में हमारी पहचान, वंदे मातरम भिन्नता में एकता की है सुरीली तान, पूरे विश्व में हमारी पहचान, वंदे मातरम, ओ सरहद पार काट फेंको ऐसी जीभ को तो, जो न गाए राष्ट्रभक्ति गान, वंदे मातरम, जो न गाए राष्ट्रभक्ति गान, वंदे मातरम। तो मातृभूमि की रक्षा में जब सैनिक प्राण गंवाता है, मातृभूमि की रक्षा में जब सैनिक प्राण गंवाता है, तीर्थ जैसा पूजनीय तब वह स्थल हो जाता है, और शिव की जटा सरीखी गंगा उसे समाहित करती है, शिव की जटा सरीखी गंगा उसे समाहित करती है, सरहद पर सैनिक का शोणित गंगा जल हो जाता है, सरहद पर सैनिक का शोणित गंगा जल हो जाता है। आप सभी को पुनः मेरी और कवि चौपाल चैनल की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
कविता क्या है? कविता कल्पना की विविधता का तालमेल कविता है, यानी कि कविता। एक कवि अपने अंदर कई सारी विविधताएं लिए हुए होता है, जो अपनी कल्पनाओं के माध्यम से उन विविधताओं को तालमेल कर कर शब्दों के माध्यम से आपके बीच रखता है और वो कविता बन जाती है। ऐसी विविधताएं लिए एक व्यक्ति हमारे बीच आज उपस्थित हैं। नाम होता है रुपेश प्रजापत। जो व्यक्ति सामाजिक बुराइयों पर अपनी कलम चलाता है, मूलतः हास्य का धुरंधर ये व्यक्ति अपनी प्रेम की बातों से, अपनी सामाजिक समझ के माध्यम से लोगों की जहन की बातें, लोगों के दिल की बातें करता है। कवि रुपेश प्रजापत अपने आप में वो नाम है जिसने हाड़ौती पर एक छोटी सी उम्र में एक अच्छा पायदान हासिल किया है। रुपेश प्रजापत या रुपेश रूपाला के नाम से जाने जाने वाले इस कवि के लिए मुझे अपने दोहे की ये पंक्तियाँ याद आती हैं। मोबाइल का दौर है, क्षण भर का आकाश, मेघदूत लिख भेजते नवदित कालिदास, मेघदूत लिख भेजते नवदित कालिदास। एक बहुत अच्छे गीतकार, एक बहुत अच्छे हास्य कलाकार और साथ ही सामाजिक तथ्यों पर, सामाजिक बुराइयों पर अपनी कलम चलाने वाले भाई रुपेश प्रजापत को मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। सर दोस्तों, मैं कवि रुपेश प्रजापत कवि चौपाल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि दोस्तों मेरे विषय में कुलदीप भैया द्वारा कहा गया कि मैं मूल रूप से, मेरी जो विधा है वो हास्य है। जी हाँ दोस्तों, मूल रूप से मैं हाड़ौती हास्य करता हूँ, लेकिन आज कुछ छंद लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं छंद निवेदन करना चाहता हूँ, सुनिएगा दोस्तों। पहला छंद सुनिएगा कि अपने ही घर पर पाल रहे रावण जो, उनसे कहो ये दुराचार मत कीजिए। अपने ही घर पर पाल रहे रावण जो, उनसे कहो ये दुराचार मत कीजिए। प्रेम से ही बात बन रही हो कहीं पे यदि, प्रेम से ही बात बन रही हो कहीं पे यदि, उनसे खराब व्यवहार मत कीजिए। चोट खा गए हो यदि एक बार कहीं तुम, चोट खा गए हो यदि एक बार कहीं तुम, गलती वहां पे बार बार मत कीजिए। प्रेम शब्द का जो किसी पर भी करे प्रयोग, नौजवान दोस्त सुनिए इसको, कि प्रेम शब्द का जो किसी पर भी करे प्रयोग, प्रेम शब्द का जो किसी पर भी करे प्रयोग, ऐसी लड़की से कभी प्यार मत कीजिए, ऐसी लड़की से कभी प्यार मत कीजिए। एक छंद ऐसा ही मैं और सुनाना चाहता हूँ दोस्तों, सुनिएगा कि धर्म बटा है पहले जाति में बटेगा अब, आपके ही हाथ में है देश को बचाइए। धर्म बटा है पहले जाति में बटेगा अब, आपके ही हाथ में है देश को बचाइए। सहयोग कर इस देश के लिए जरा सा, साथ मिलकर नया भारत बनाइए। जाते हो डिनर में तो खाना फेंक देते तुम, मेरी इस बात पर गौर फरमाइए। जाते हो डिनर पे तो खाना फेंक देते तुम, मेरी इस बात पर गौर फरमाइए। कर्म ये करोगे तुम अवश्य मिलेगा फल, कर्म ये करोगे तुम अवश्य मिलेगा फल। फेंकने से अच्छा किसी भूखे को खिलाइए, फेंकने से अच्छा किसी भूखे को खिलाइए। और जैसा कि दोस्तों मेरे बारे में कहा गया कि मैं हाड़ौती में हास्य करता हूं, तो मैं अपनी मायड़ भाषा, अपनी हाड़ौती भाषा में एक छंद आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। मेरा एक मित्र ने मुझसे कहा दोस्तों कि 15 अगस्त आ रही है, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, राजनीति में इतना सियासत, इतनी उछल कूद हो रही है सियासत में, तो कुछ सियासत पे लिखना, राजनीति पे कुछ लिखना। तो दोस्तों मैंने उसको जो जवाब दिया, मैं इस छंद के माध्यम से आपको सुनाना चाहता हूँ, हाड़ौती का एक छंद निवेदन करना चाहता हूँ, सुनिएगा। किसाना की सुनो पीड़ा, मुंडम पड़गा कीड़ा, सुनता ही आंखियां आंसूड़ा सु भर जावेगी। किसाना की सुनो पीड़ा, मुंडम पड़गा कीड़ा, सुनता ही आशा आंखियां आंसूड़ा सु भर जावेगी। गरीबा ने जहर पी लो, सैनिका को जीवन ले लो, मौत भी बना आया ही खुद डर जावेगी। हर बार ही बंदावे आस कर छन पण निराश, उम्मीदा की नाव सूखा खेता तर जावेगी। हर बार ही बंदावे आस कर छन
पर निराश, उम्मीद की नाव सूखा खेता तर जावेगी, अरे अब इपे काई लिखूं बेबसर लाचार दिखूं, कविता तो बोल बासू पहली मर जावेगी, कविता तो बोल बासू पहली मर जावेगी, कविता तो बोल बासू पहली मर जावेगी। और दोस्तों मेरे संक्षिप्त काव्य पाठ में छोटी सी कविता मैं आप लोगों को और सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि ईंट अगर मैं फेंकूं तो तुम उल्टा पत्थर फेंकोगे, ईंट अगर मैं फेंकूं तो तुम उल्टा पत्थर फेंकोगे, एक प्रश्न पूछूंगा क्या उसका उत्तर दे दोगे, क्या तुम घर की दीवारों पर पान थूक कर सोते हो, क्या तुम घर की दीवारों पर पान थूक कर सोते हो, क्या खुद की फसलों पर खुद ही खरपतवारे बोते हो, क्या खुद की फसलों पर खुद ही खरपतवारे बोते हो, क्या तुम बासी सब्जियों को घर के अंदर रखते हो, क्या तुम बासी सब्जियों को घर के अंदर रखते हो, क्यों अपने घर के कचरे को डस्टबिन में भरते हो, अरे क्यों अपने घर के कचरे को डस्टबिन में भरते हो, अंत समय आने पर ईश्वर का जाप नहीं करते, अरे अंत समय आने पर ईश्वर का जाप नहीं करते, और जिस धरती पर जन्म लिया क्यों उसको साफ नहीं करते, जिस धरती पर जन्म लिया क्यों उसको साफ नहीं करते। कि अब तो नेता देख रहे हैं तुम भी थोड़ा देखो ना, अरे अब तो नेता देख रहे हैं तुम भी थोड़ा देखो ना, कचरा सड़कों पर न डालो डस्टबिन में फेंको ना, कचरा सड़कों पर न डालो डस्टबिन में फेंको ना। कि अब तो नेता देख रहे हैं तुम भी थोड़ा देखो ना, कचरा सड़कों पर न डालो डस्टबिन में फेंको ना, मुझे पता है तुम सब इसकी उपयोगिता समझते हो, मुझे पता है तुम सब इसकी उपयोगिता समझते हो, खुद ही कचरा करते हो और खुद ही नाक सिकुड़ते हो, खुद ही कचरा करते हो और खुद ही नाक सिकुड़ते हो। स्वतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष्य में इतना विश्वास दिलाओ तुम, स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व पर इतना विश्वास दिलाओ तुम, इस सुंदर भारत को फिर से सुंदर बनाओ तुम, इस सुंदर भारत को फिर से स्वच्छ बनाओ तुम। दोस्तों आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों ऑनलाइन कवि सम्मेलन एक और ऑनलाइन कवि सम्मेलन दो में जो अब तक संचालन कर रहे थे, मैं उस शख्स को आमंत्रित करना चाहता हूं जो कि बहुत ही अच्छा युवा हस्ताक्षर, युवा कलमकार, जो हर विधा में अपनी कलम चलाते हैं, अपनी कलम का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। मैं उन्हीं को आमंत्रित करना चाहता हूँ उन्हीं की पंक्तियों से, कि जुगनू अपने तेज से अब तक है अनजान, अंधियारे से पूछ लो क्या उसकी पहचान। आदरणीय कुलदीप विद्यार्थी जी आए और इस पटल पर अपना काव्य पाठ करें, आपका बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी। देश समूचा सज रहा सजा अयोध्या धाम, टाट छोड़कर महल में लौटेंगे श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप विद्यार्थी आप सभी का कवि चौपाल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मित्रों यह स्वतंत्रता दिवस आप सभी के जीवन में खुशियों का पल लेकर आए, हम इस कोरोना महामारी से जल्द निजात पाएँ, ऐसी शुभकामनाएँ मैं प्रेषित करता हूँ। प्रभु राम भी आज़ाद हुए हैं इस वर्ष उस टाट से और अपने महल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर राम को अपना घर मिला है, राम को अपना मंदिर मिला है और राम वन से जैसे लौट रहे हैं और अपने महल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मित्रों ये स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए हर्ष उल्लास लेकर आए, यही मंगल कामनाएं हैं। राम भी यही चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति आज़ाद हो, हर एक व्यक्ति की अपनी आज़ादी हो। मैं इस आज़ादी के पावन पर्व पर एक गीत आपके बीच निवेदित करना चाहता हूँ। राम वन से लौट रहे हैं और अयोध्या का दृश्य है कि किस प्रकार अयोध्यावासी श्री राम का स्वागत कर रहे हैं और राम क्या देख रहे हैं। मैं गीत निवेदित करता हूँ कि टकटकी लगाए लोग वन में झांकते रहे, टकटकी लगाए लोग वन में झांकते रहे, वन से लौट राम सबके मन में झांकते रहे, वन से लौट राम सबके मन में झांकते रहे, टकटकी लगाए लोग वन में झांकते रहे, टकटकी लगाए लोग वन में झांकते रहे।
वन से लौटे राम सबके मन में झांकते रहे, वन से लौटे राम सबके मन में झांकते रहे। जब राम प्रभु आते हैं तो क्या दृश्य है कि एक वन पुरुष नगर को भर रहा है अंक में, एक वन पुरुष नगर को भर रहा है अंक में, भेद मिट गया है आज राजा और रंक में, भेद मिट गया है आज राजा और रंक में। ये मिलन युगों युगों की आस्था के नाम है, ये मिलन युगों युगों की आस्था के नाम है, और कुछ नहीं है ये भरोसा सिर्फ राम है, और कुछ नहीं है ये भरोसा सिर्फ राम है। हो गए अधीर सब चरण में झांकते रहे, हो गए अधीर सब चरण में झांकते रहे, वन से लौटे राम सबके मन में झांकते रहे, वन से लौटे राम सबके मन में झांकते रहे, टकटकी लगाए लोग वन में झांकते रहे, वन से लौटे राम सबके मन में झांकते रहे। राम जब वन से आते हैं तो माँ सिया के लिए उंगलियां उठती हैं, उन्हें अग्नि परीक्षा की बात करते हैं। राम ये देखकर क्या सोचते होंगे, भावनाएं जन की राम जी के मन को बोध है, भावनाएं जन की राम जी के मन को बोध है, जानते हैं राम की कहां कहां विरोध है, जानते हैं राम की कहां कहां विरोध है, कौन है जो राम को रमाए रोम रोम में, कौन है जो राम को रमाए रोम रोम में, कौन जो सिया को सौंप देना चाहे होम में, कौन जो सिया को सौंप देना चाहे होम में। राम दूर राम से गहन में झांकते रहे, राम दूर राम से गहन में झांकते रहे, वन से लौटे राम सबके मन में झांकते रहे, वन से लौटे राम सबके मन में झांकते रहे। और मित्रों अंतिम चार पंक्तियां इस गीत की हैं कि हाथ जोड़ कर खड़ा। वन से लौटने के पश्चात राम में क्या क्या परिवर्तन है इन चार पंक्तियों में सुनिएगा कि हाथ जोड़ कर खड़ा विनम्र क्रोध राम का, हाथ जोड़ कर खड़ा विनम्र क्रोध राम का, वन से प्रौढ़ हो के लौट आया शोध राम का, वन से प्रौढ़ हो के लौट आया शोध राम का। हाथ जोड़ कर खड़ा विनम्र क्रोध राम का, वन से प्रौढ़ हो के लौट आया शोध राम का। राम को बनाया राम राम के प्रभाव ने, राम को बनाया राम राम के प्रभाव ने, सबको राम का बनाया राम के स्वभाव ने, सबको राम का बनाया राम के स्वभाव ने। राम कुछ कहे बिना कहन में झांकते रहे, राम कुछ कहे बिना कहन में झांकते रहे, वन से लौटे राम सबके मन में झांकते रहे, वन से लौटे राम सबके मन में झांकते रहे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।